बोलो शेर। शेर। और हाय बोलो। चलो खुशी आप बताओ। तो हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब, आज के इस नए और खूबसूरत ब्लॉग में गाइस ये फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो गाइस आज है महाशिवरात्रि, देवों का देव महादेव का ब्याह का दिन। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र है। तो आज का डे को स्पेशल बनाने के लिए हम लोग ग्रिड से बाबा की नगरी देवघर पधार रहे हैं। देवों के देव महादेव की नगरी देवघर में आपका स्वागत करने वाला हूं मैं थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल मैं गिरिडीह में हूं, गिरिडीह के कॉलेज, गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड के पास। जैसे कि आप देख सकते हो इधर आपको कॉलेज दिख रहा होगा। तो आज का दिन और आज का ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा एकदम इंटरेस्टिंग, खूबसूरत और मज़ेदार होने वाला है। देवघर पहुँचने से थोड़ी सी पहले एक जगह है जिसका नाम है बुढ़ई, और वहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब टेम्पल है और अजीबोगरीब स्थान है, पर्वत है। वो पर्वत कहा जाता है कि ज्वालामुखी की वजह से बना है। जितने सारे टेम्पल्स या जितने सारे पहाड़ सब अपने आसपास में देखते हो उन सभी से वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं इतनी सारी चीज़ें उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो चलिए मैं चलता हूँ। सबसे पहले पर्वत किस प्रकार से, जिसकी वजह से मैं उसे कह रहा हूँ कि वो एक ज्वालामुखी वाली पर्वत है। तो देवघर जाने के क्रम में जैसे ही बुढ़ेर आप पार करते हो, बुढ़ेर थाना पार करते हो, वहाँ से लेफ्ट एक मेन रोड गई हुई है उससे होकर जाते हो, तो आपको ये जो पहाड़ देखने को मिलता है सामने गाइस, इसी को ये ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत पे पहुँच चुका हूँ। ये देखो यहाँ का प्रेजेंट सीन कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे एक टेंपल भी है जिसको बुढ़ेश्वरी माता टेंपल कहा जाता है। तो उसकी वजह से लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में आज एकत्रित हुए हैं, और ऊपर से आज शिवरात्रि भी है तो लोग पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे आए हुए। और इसको मैं ज्वालामुखी पर्वत भी इसलिए कह सकती हूँ, मैं नहीं बाकी लोग भी कहते हैं, क्योंकि देखो जितने सारे अदर पहाड़ आप देखते हो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, बहुत बड़े पत्थर होते हैं, पर यहाँ पर देखो कोई आपको पत्थर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी कुछ बनावट है वो पूरा एक ही का है, जैसे आपको लगेगा ना कुछ को ढाल करके बनाया गया। यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको ऐसे होल्स देखने को मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड यदि आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे ही चैनल पे आपको एक बुढ़ेश्वरी माता टेंपल करके एक छोटा सा वीडियो दिखेगा 4 से 5 मिनट का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आज हम लोग का जो मेन मोटो है वो देवघर विजिट करना है, और रात में जो मेला लगने वाली है देवघर में वो आपको दिखाना है, और साथ ही साथ जो बारात निकलने वाली है महाकाल और महादेव की जो बगाई मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस पूरी ब्लॉग को अंदर देखना, ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना और ब्लॉग में बने रहो लास्ट तक देखना। तो गाइस ये जो आप ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हो ये, और ये तो अभी सब से स्टार्टिंग है। ये जो पूरी कैंपस देख रहे हो वो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा का है, आप वहाँ से पूरी लास्ट से लेकर के ये स्टार्टिंग से लेकर के पूरे एंड तक। और ये है देवघर एम्स, जिसको देवीपुर एम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो एम्स है वो देवीपुर थाने में पड़ता है देवघर के, इसीलिए इसको देवघर एम्स या फिर देवीपुर एम्स के नाम से जाना जाता है। और देवघर अभी जो है वो वर्तमान में पूरे झारखंड का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ शहर है, या फिर बोलो बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट है। इस सड़क का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है और कहीं कहीं पर इसको नया बनाया भी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे देवघर में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ये तो एम्स आप देख ही रहे हो, बाकी छोटे मोटे बहुत सारे कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। तो गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं और फाइनली हम लोग जो सिटी है वो करीब 2 या 2.5 के आसपास से पहुँच चुके थे। उसके बाद एक फ्रेंड का कोई रिलेटिव था उसके यहाँ हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट करा, थोड़ी सी नाश्ता पानी करा, और अब जा करके हम लोग टहलने के लिए घूमने के लिए यहाँ पे शिवगंगा के पास आए हुए। और ये आप मेरे पीछे पूरा शिवगंगा देख सकते हो, जो कि बहुत बड़ी एक तालाब की जैसी है जहाँ पे पानी का फिल्ट्रेशन वगैरह होती रहता है। लोग बोटिंग वगैरह कर ही सकते हैं, पर जो प्रशासन के जो बोट्स वगैरह है वो लोग यहाँ पे रहते हैं सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा के लिए। और अब मैं आप लोगों को अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ हमारे साथ करीब। अरे वो सुरक्षा के लिए यार, कौन बोट चालू कर दे घूमने वाला कोई ना। तो गाइस मैं अभी आपको अपने फ्रेंड्स लोग से मिलवाता हूँ, मेरे साथ करीब 7 से 8 जन हैं जो हम लोग के साथ में है, बाइक से आए हुए थे, और बाकी 3-4 लोग हैं जो कि ट्रेन से आए हुए थे, तो वो लोग तो अभी हम लोग के साथ नहीं है। फिलहाल हमारे साथ 4 जन हैं, मैं एक एक करके आपसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और पूछते हैं वो लोग के यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है और वो यहाँ पे किस लिए आए हुए थे। इनको तो आप पहले से पहचान रहे हो, ये मनु जी हैं, तो बताइए जी यहाँ पे क्यों आए थे आप? फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि शिवरात्रि है तो हमें लगा कि चलो भाई एक बार घूम के आते हैं, देख के आते हैं बाबा की नगरी में एक बार घूमा जाए क्या। तो इस सब सारा कुछ देख रहे तो अच्छा लग रहा है, और यहाँ का वाइब्स कैसा लग रहा है आपको, कैसा सीन है? ये जो सरोवर बनाया गया लग रहा लगभग झारखंडी के जैसा बनाया गया, झारखंड लग रहा है। तो गाइस अक्सर ये झारखंडी का रहने वाला है इसलिए इसको वहाँ की याद आ रही है। आपका नाम भैया? मैं सचिन आनंद कुमार, हजारीबाग से करते। अच्छा हजारीबाग से है आप, अभी फर्स्ट टाइम है ना, कैसा लग रहा है आके, आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का माहौल भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ के अब ये भाई हैं, पहले भाई नाम बताइए पहले, और कैसा लग रहा है आके?
मेरा नाम तो अरविंद कुमार वर्मा है। हाँ। हम देखे यहाँ तो बहुत पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज के जैसा आज खास डे स्पेशल शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब फर्स्ट बार आए हैं। उससे तो माहौल तो देख ही सकते हैं, कैमरा में बहुत अच्छा सा लग रहा है चारों तरफ। यहाँ का माहौल ही तो ऐसे ही है, बाबा नगरी। बस एक यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ का इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप एक कोई बदलाव क्या सुझाव देना चाहेंगे? बदलाव सबसे बड़ा साफ सफाई, नगर पालिका। नगर पालिका तो इसका साफ सफाई को ध्यान तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या इतनी है, संख्या के अपेक्षा थोड़ा और प्रशासन इससे सख्त रहे, थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहे क्या? एक्टिव रहे। और यहाँ पे मैं अभी शिवगंगा दिखाता हूँ, ये इसकी जो पानी है, जो जल है, वो काफी ज्यादा अभी आपको डर्टी डर्टी खारा पानी के जैसा लग रहा होगा, पर जो भी है, चूंकि ये इकलौता तालाब है यहाँ के आसपास में, अक्सर प्रत्येक दिन यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं और कई सारे कार्य जल के साथ करते हैं, तो इसकी वजह से पानी जो थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा है। ओके, तो गाइस शिवरात्रि के इस पावन अवसर पे अभी हमारे साथ बाबा धाम के दर्शन कर लो। यहाँ पे काफी संख्या में लोग जुड़े हुए और बहुत ही ज्यादा शोर शराबा यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखो कितनी प्यारी और शाम का समय है, और अभी देखो कितने सारे लोग हैं और कितना खूबसूरत नजारा है इस टेम्पल्स परिसर का। है और हम लोग फाइनली अपना जो भी है दर्शन वगैरह हम लोग कर चुके हैं और अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं। भीड़ इतनी है कि आराम से लोग यहाँ पे घूम सकते हैं। हम लोग फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, और क्योंकि आज शाम में रात में शिवरात्रि है, तो फिर यहाँ पे आयोजन होने जा रहा है और मौसम खत्म होगा, बारात निकले की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, तो हम लोग शाम में फिर से आएंगे। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, और ये देखो अभी भी ये लोग इतने सारे संख्या में जो है वो लाइन में लगे हुए जल अर्पण करने के लिए, और पता नहीं कब ये लोग का नंबर आएगा, ये लोग जल अर्पण कर पाएंगे। आपको यहाँ इतनी लाइन दिख रही है ना, ये यहाँ से लेकर के करीब अभी 400-500 मीटर लाइन लंबी है यहाँ से मंदिर तक, और उसके बाद उतना इंतजार करने के बाद ये लोग जल अर्पण कर पाएंगे। अभी 6:15 हो रहा है और हम लोग अभी फिलहाल रूम जा रहे हैं, क्योंकि सबका मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है। हम लोग करीब 4:30-4 बजे से बस टहल रहे हैं, और अब यहाँ से रूम जाना है, मोबाइल चार्ज करना है, थोड़ी सी रेस्ट करनी है, उसके बाद पुनः आना है बाजार में। और आज ना देवघर पूरा दिवाली की तरह सजी हुई है, आज देवघर का ना एकदम बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से कैसे, जहाँ देखो जिधर देखो सिर्फ सजावट ही सजावट करी गई है, और बहुत सारा डेकोरेशन करा गया है, काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर करीब पिछले 10 मिनट से रुके हुए, और ये देखो गाइस कितने सारे लोग जो हैं वो सिर्फ जुलूस को देखने के लिए, करीब हजारों की संख्या में लोग तकरीबन लगातार बस जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं और जा ही रहे हैं। सबसे पहले बताओ, छोटे से अपना नाम बताओ, नाम बताओ, अरे नाम बोलो, शेर। और हाय बोलो, चलो खुशी आप बताओ, क्या नाम बोली, अरे अच्छे से बताओ ना, दो लोग देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, शेरनी। और अभी लगभग 7 बज रहे और हम लोग भी जो है वो जुलूस के लिए फाइनली, देखो यहाँ पे ये सामने आपको टावर चौक नजर आ रहा होगा, ये देवघर का टावर चौक है, तो यहाँ पे टावर चौक के पास पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ से अब लोग देखते हैं क्या सीन होता है आज का और कैसा रहता है आज का जुलूस। लगता है बारात का आगमन हो गया है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है वो घोड़ों से इसका शुरुआत किया गया है। इन
बिल्डिंग्स पर कूट कूट के लोग भरे हुए हैं, जितना स्पेस नहीं है। मैं पहली बार अपने बिल्डिंग्स पे खड़े हैं, शिव की बारात में शामिल हो रहा हूँ, कभी पहली बार शिवरात्रि में किसी मेले में आ रहा हूँ। और सामने जो है वो आप देख पा रहे हो, काफी ज्यादा भीड़ है, बस कमाल का भीड़ है, इतना कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लाखों की तादाद में लोग आए। तो वैसे भी रात के 9:45 बज रहे हैं और अब जाकर के जो ज़्यादा जुलूस है वो ख़त्म हुआ है। काफ़ी लंबी जुलूस थी और करीब लगभग 3 घंटे के आसपास, या पूरे 3 घंटे के आसपास जो ये जुलूस चली, जहाँ तक मुझे लग रहा है करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी जुलूस थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी लोगों की। हमको जहाँ तक लग रहा है कि करीब 1 लाख से 2 लाख भीड़ थी, सड़क करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबा था, कि उससे भी कहीं अधिक रूट था और पूरी रूट में खचाखच भीड़ भरी हुई थी। तो गाइस आज के इस ब्लॉग और यहीं पे करते, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं दूसरे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में।